my time, my life is gone. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग एंड माय चैनल। तो आप लोग मेरे चेहरा देखकर तो पता लग ही गया होगा कि मैं अभी सोकर उठी हूँ। जी हाँ, मैं अभी सोकर उठी हूँ और उठ के ही देखा कि मेरी गुड डे स्टार्ट हो गई है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कैसे रहती हूँ और आप लोगों को टिप्स दूंगी कि कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो ब्लॉग में जुड़े रहे। मैं नहा कर आती हूँ, फिर मिलते हैं। हाय गाइस, तो मैं नहाकर आ चुकी हूँ और अक्सर कुछ लोग बोलते हैं कि पीरियड्स में नहीं नहाना चाहिए और हमारी जो पुराण है सुश्रुत संहिता उसकी रजस्वला परिचर्या में भी ये लिखा हुआ है कि पीरियड्स में नहीं नहाना चाहिए। लेकिन हम लड़कियों को तो हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए पीरियड्स में नहाना भी ज़रूरी है ताकि हाइजीन मेंटेन रहे। और हाँ, पीरियड्स में क्यों नहीं नहाना चाहिए और रजस्वला परिचर्या में ऐसा कौन सी बात लिखा है कि कौन सा काम नहीं करना चाहिए, वो सारी बात मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ब्लॉग में जुड़े रहना। और हाँ, आप लोग पीरियड्स में नहा सकते हो, लेकिन एक ही बार नहाओ, सुबह नहा लो और हो सके तो थोड़ा गर्म पानी से नहा लो। और मैं तो पीरियड्स में बिना नहाए नहीं रहती, क्या हमारे घर में कोई भी नहीं रहता, तो इसकी फिजियोलॉजिक क्या है वो भी मैं बताऊंगी। तो ब्लॉग में जुड़े रहना। और मेरा फर्स्ट काम यही होता है कि मेरी गुड डेज में मैं सुबह उठ के पहले नहा लेती हूँ और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, चलो दिखाते हैं। तो गाइस ये देखो मैंने लिया है एक ग्लास भर के गर्म पानी। देखो इसमें ये बुलबुला निकल चुका है अभी भी। तो मैं सुबह उठ के पीरियड्स के दिन पीती हूँ गर्म पानी, इससे थोड़ा हमारे पेट दर्द में राहत मिलती है। तो आप लोग भी पीरियड्स के दिनों में गर्म पानी पिया करो। और हाँ, हमें पीरियड्स के टाइम पे हर चीज़ गर्म गर्म ही लेना चाहिए, ठंडा चीज़ बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो मैं अभी पीऊँगी गर्म पानी। सच में यार, गर्म पानी पीने से हमारे पेट में बहुत राहत मिलती है, तो आप लोग भी पिया करो। और अभी मैं पीऊंगी गर्मा गर्म चाय, और वो भी ब्लैक टी, क्योंकि मैं दूध की चाय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ब्लैक टी ही पसंद है। और ये बिस्किट खाऊंगी। आप लोग सोच रहे होगे कि ये मेरे हाथ में क्या है, तो ये है मेंस्ट्रुअल कप। आप लोगों को पता होगा ही, और जिनको नहीं पता है तो मैं बता दूँ, ये मेंस्ट्रुअल कप हम पीरियड्स में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे अभी तक यूज़ नहीं किया है। मैं अभी तक रेगुलर पैड ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि बचपन से मैंने पैड ही यूज़ किया है तो उससे मैं ज़्यादा कम्फर्टेबल हूँ। तो मैंने ये मेंस्ट्रुअल कप यूज़ नहीं किया। मैं सोच रही हूँ करूँ या ना करूँ, खैर ये बाद में देखा जाएगा। अभी तो मेरे पास ये है, तो बाद में सोचेंगे कि इसे यूज़ करें या ना करें। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी कि लड़की को वही सब यूज़ करना चाहिए जो लड़कियाँ जिसमें कंफर्टेबल है वही यूज़ करना चाहिए, और मैं ज़्यादातर कंफर्टेबल हूँ इस पैड में। और ये अभी सोच रहे होगी कि ये एडवर्टाइजमेंट कर रही है, लेकिन नहीं कर रही हूँ मैं। ये जो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, ये सारा पैड वगैरह मुझे स्पॉन्सरशिप में मिला था, उसी का पैड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि काम चल रहा है। तो वैसे भी मैं इसी कंपनी का यूज़ करती थी। तो और ये मेंस्ट्रुअल कप मैं बाद में सोचूंगी कि यूज़ करूँ या ना करूँ। वैसे ये भी है, मेरी स्पॉन्सरशिप ने भेजा था, लेकिन ये कौन सी ब्रांड का है ये आपको देखने के लिए मेरी ऑफिशियल चैनल पर जाना होगा, इसलिए मैंने ये सब ब्लर कर दिया है। आप लोग मेरी ऑफिशियल चैनल पर जाके देखो कि मैं कौन सा पैड यूज़ करती हूँ। तो अगर आप लोग कंफर्टेबल हो मेंस्ट्रुअल कप में तो आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने। और हाँ, पीरियड्स में आप लोग बिल्कुल भी भूखा मत रहो। पीरियड्स में अगर भूखा रहोगे तो पेट दर्द ज़्यादा होगा, इसलिए आप लोग हमेशा कुछ ना कुछ खाते ही रहो। हाय गाइस, तो मैंने खाना खा लिया है और अभी मैं पी रही हूँ ये गर्मा गर्म दूध। ये देखो, ये गर्मा गर्म दूध पीऊंगी और इसमें डाला है मैंने मेरी रेगुलर प्रोटीन पाउडर जो मैं हर रोज़ लेती हूँ। तो आप लोग भी पीरियड्स में गर्मा गर्म चीज़ें खाया करो और गर्मा गर्म चीज़ ही पिया करो, तभी पेट में थोड़ा राहत मिलेगी। यार, पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया यार, लेकिन अभी मुझे जाना है लंच बनाने, खाना बनाने, मुझे किचन जाना पड़ेगा।
अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बेशरम लड़की पीरियड्स के दिनों में भी खाना बनाती है, किचन में जाती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीरियड्स के दिनों में लड़कियों को किचन में नहीं जाने देते हैं। लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम किचन में भी जा सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं, खाना खुद से ले कर खा भी सकते हैं। क्योंकि पहले के ज़माने में हमारी पीरियड्स में यूज़ करने के लिए इतने साधन नहीं थे, लेकिन आज के ज़माने में सैनिटरी पैड्स, टेम्पोन्स, मेंस्ट्रुअल कप जैसे बहुत सारे हाइजीनिक प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। तो हम तो पीरियड्स में ऐसी चीज़ें यूज़ करके हाइजीनिक रहते हैं, तो हमें किचन जाने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो इसीलिए हम किचन भी जाते हैं, खाना भी बनाते हैं, खुद से खाना लेकर खाते भी है। और वैसे मुझे किचन में जब मुझे पीरियड्स होती है ना, तब ज़्यादा मुझे काम करने नहीं देते हैं क्योंकि मुझे पेट दर्द होता है। तो आज मम्मी घर पे नहीं है, तो इसलिए आज मुझे खाना बनाना पड़ेगा। तो अभी मैं पीरियड्स में भी खाना बनाऊंगी। और ऐसे भी पीरियड्स में थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना ज़रूरी है ताकि पेट दर्द थोड़ा कम हो जाए। तो चलो अभी मैं किचन जाती हूँ और खाना बनाती हूँ। ये देखो मैं इधर खाना बना रही हूँ। तो कुछ प्रॉब्लम हुआ है? नहीं हुआ है। तो फिर पीरियड्स में भी आप लोग किचन जा सकते हो। इधर मैंने चावल चढ़ा दिया है, इधर मैंने सोयाबीन आलू की सब्जी बनाऊंगी। तो फिर आप लोग भी पीरियड्स में भी खुल के किचन में जा सकते हो और काम भी कर सकते हो। हाय गाइस, तो मेरा लंच बनाना हो गया है और अभी मैं फ्रेश होकर आ गई हूँ। अभी जाऊँगी मैं लंच करूँगी। और मैंने आज एकदम सादा खाना बनाया, सिर्फ चावल बनाया, आलू सोयाबीन की सब्जी बनाया और करेला फ्राई किया, बस इतना ही। क्योंकि पीरियड्स में ज़्यादा हैवी खाना मुझे पसंद नहीं है और जंक फूड तो पीरियड्स में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। तो अभी मैं जाऊँगी एकदम सादा घर का खाना खाऊँगी। आप लोग भी घर का खाना ही खाना पीरियड्स के टाइम, ठीक है? तो चलो खाना खाते हैं। हाय गाइस, तो मैंने लंच कर लिया है और मैंने आज एकदम सादा खाना ही खाया। और अभी देखो ये क्या लेके आई यार, पेट दर्द कर रहा है इसलिए मैं ये हॉट बैग लेके आई, क्योंकि गर्म सेक लूँगी तभी थोड़ा पेट में राहत मिलेगी, दर्द कम होगा। तो अभी मुझे गर्म सेक लेना है। अगर आप लोगों को भी पेट दर्द होता है पीरियड्स के दिनों में, तो ऐसे हॉट वाटर बैग ज़रूर मंगवा लें। और ये आपको कहीं भी किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से मिल जाएगी, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, कहीं से भी मिल जाएगी। तो आप लोग घर बैठे मंगवा कर ऐसे हॉट वाटर बैग से गर्म सेक ले सकते हो। तो आप लोग ऐसे करके गर्म पेट में जहाँ पर भी दर्द हो रहा है उस एरिया में ऐसे रख दो थोड़ी देर के लिए ऐसे, तो आपका दर्द थोड़ी देर में कम हो जाता है। ऐसे मुझे पेट दर्द नहीं होता है इतना ज़्यादा, लेकिन आज थोड़ा भागा दौड़ी हुआ है इसीलिए थोड़ा पेट दर्द हो रहा है। लेकिन मेरा पेट दर्द कैसे कम हुआ है कि, और पहले तो मुझे इतनी ज़्यादा दर्द होती थी, मुझे वॉमिटिंग भी हो जाती थी, लेकिन मैंने दर्द कैसे कम किया है अगर आप लोगों को जानना है तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। आप लोगों को भी बताऊँगी कि मेरा दर्द कैसे कम हुआ है। तो गाइस अभी मुझे जाना है थोड़ी देर सोने, क्योंकि आज बहुत भागा दौड़ी हो चुकी है, सुबह से भागा दौड़ी कर ही रही हूँ, क्योंकि घर पे मम्मी भी नहीं है, दीदी भी नहीं है, तो सारा काम मेरे सर पे आ गया। पीरियड्स में भी इतना सारा काम करना पड़ा, तो अभी मुझे बहुत टायर्ड फील हो रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी देर सोने। सो के उठने के बाद मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊँगी पीरियड्स रिलेटेड, तो ब्लॉग में जुड़े रहना आखिरी तक। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गुड इवनिंग गाइज, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा मैं सो गई थी। वैसे तो पीरियड्स के दिनों में मैं दिन में नहीं सोती हूँ और हमें दिन में सोना भी नहीं चाहिए, लेकिन आज मैं बहुत थक गई थी इसलिए कब नींद आ गया मुझे पता भी नहीं चला। तो अभी चाय वगैरह पीऊंगी, थोड़ा फ्रेश लगेगा। हाँ गाइस, मैंने चाय वगैरह पी लिया है। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी जो मैंने सुबह बोला था, जो हमारी एक पुराण है सुश्रुत संहिता, उसकी रजस्सला परिचर्या यानी कि पीरियड्स रिलेटेड जो चैप्टर है उसमें बहुत कुछ वर्जित बताया गया है। तो वही आप लोगों को अभी मैं बताऊंगी कि ऐसा कौन सा काम है जो पीरियड्स में हमें वर्जित बताया गया है उस पुराण में। तो चलो आप लोगों को बताते हैं और लिस्ट भी दे देते हैं, आप लोग देख सकते हो। तो हमारी जो पुराण है सुश्रुत संहिता, ये ऊपर आ रही होगी,
इसके अंदर ऐसी कौन सी बात लिखी गई है जो हमारे लिए वर्जित है, तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो वो है, पहला है ज़्यादा बात करना, ज़्यादा हंसना, तेज आवाज में रहना, रोने से बचना चाहिए और दिन में सोने से बचना चाहिए, जो कि गलती मैंने आज कर दिया है क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए मैं सो गई। बालों में कंघी करना, नाखून काटना, आँखों में काजल लगाना, स्नान करना, तेल मालिश करना, शरीर का अभिषेक यानी चंदन वगैरह की जो लेप लगाते हैं उससे लगाना से वर्जित बताया गया है क्योंकि वो बहुत ठंडा होता है। थका देने वाले काम करने से भी मना किया गया है। मसालेदार या खट्टा चीज़ खाने से भी मना किया गया है। तो ये सब काम मसाला परिचर्या के अंदर वर्जित बताया गया है पीरियड्स के दिनों में। तो अभी आप लोग सोच रहे हो कि इसमें तो मंदिर जाना मना नहीं किया गया है, तो इसमें स्नान करना मना किया गया है, तो हम सनातन धर्म के लोग बिना नहाए तो मंदिर नहीं जाते हैं, इसलिए ये बताया गया है कि अगर आप स्नान ही नहीं कर पाओगे, आप नहा ही नहीं पाओगे तो मंदिर कैसे जाओगे। तो इसके रिगार्डिंग एक बहुत ही अच्छा वीडियो है जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। उस वीडियो में जाके आप लोग हर चीज़ क्लियर कर सकते हो कि आखिर ये सब वर्जित क्यों बताया गया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर लेना और इस रजतशिला परिचर्या की मैं PDF फाइल भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग जाके पढ़ सकते हो पूरा डिटेल्स में। और मैंने कहा था ना कि मैं थोड़ी बहुत टिप्स दे दूंगी, तो उसके लिए ब्लॉग में जुड़े रहना, ठीक है। तो हे गाइस, अभी मैं खा रही हूँ ये ड्राई फ्रूट्स, ये देखो इतना सारा लिया है। और पीरियड्स में हमें हमेशा घर की हेल्दी चीज़ें, फ्रूट्स वगैरह और हेल्दी खाना ही खाना चाहिए, तो आप लोग भी ऐसे ड्राई फ्रूट्स खाया करो। वैसे ये दोनों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हे गाइस, मैंने आप लोगों को कहा था ना कि मैं आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगी, तो रेडी हो जाओ, मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देने वाली हूँ। तो पहला टिप्स है कि आप सुबह उठ के, पीरियड्स के दिनों में सुबह उठ के ही नहा लो, और हो सके तो गर्म पानी से, गुनगुने गर्म पानी से ही नहाओ। सुबह खाली पेट में ही आप लोग गर्म पानी पियो, क्योंकि गर्म पानी पीने से हमारे पेट में जो दर्द होती है थोड़ी सी वो कम हो जाती है। गर्म चीजें ही खाना चाहिए, गर्म चीजें ही पीना चाहिए हमारी पीरियड्स के दिनों में, क्योंकि पीरियड्स के दिनों में बॉडी को गर्म रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जंक फूड वगैरह जैसे कि हम लड़कियों की फेवरेट होती है फास्ट फूड, चाउमीन मोमोज वगैरह बहुत फेवरेट होती है, ये सब चीज़ें हमें पीरियड्स के दिनों में अवॉइड करना चाहिए। घर की हेल्दी खाना, फ्रूट्स वगैरह ही खाना चाहिए हमें। पीरियड्स में आप लोगों को जो कम्फर्टेबल लगे आप लोग वही यूज़ करो, जैसे कि टैम्पोन्स, मेंस्ट्रुअल कप, सैनिटरी पैड, इनमें से आप लोगों को जो कम्फर्टेबल लगे आप लोग वही यूज़ करो। फैशन के चक्कर में फिर मेंस्ट्रुअल कप या फिर टैम्पोन यूज़ करने जाओगे तो वो अगर आप लोगों के लिए कम्फर्टेबल ना हो तो फिर तकलीफ हो सकती है, इसीलिए आप लोग रेगुलर पैड भी यूज़ कर सकते हो, मतलब जो आप लोगों के लिए कम्फर्टेबल है, जैसे कि मैं रेगुलर पैड ही यूज़ करती हूँ तो आप लोग भी वही यूज़ करो। और हाँ, 6 घंटे से ज़्यादा एक ही पैड को यूज़ करते मत रहो, आप लोग समय समय पर पैड को बदलते रहो, क्योंकि ब्लड जब हमारे पैड में आके स्टोर होती है तो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया वहाँ पे फॉर्म हो जाती है, इसलिए हम लोगों को पैड को बदलते रहना चाहिए समय समय पर। अपनी इंटीमेट एरिया को अच्छे से वॉश करके ही पैड को यूज़ करें, और इंटीमेट एरिया को क्लीन करने के लिए, हाइजीन रखने के लिए आप लोग साबुन का यूज़ बिल्कुल मत करना। और मार्केट में जो इंटीमेट एरिया का वॉश करने के लिए कुछ चीज़ें मिलती है, कुछ क्रीम वगैरह या फिर कुछ लिक्विड मिलता है, उसका भी यूज़ मत करना, आप लोग नॉर्मल पानी से ही वॉश करो, क्लीन रखो। आप लोग मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हो या फिर टैम्पोन्स यूज़ करते हो तो वो सब यूज़ करने से पहले अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज कर लेना है। अगर आप लोगों को पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेट दर्द होती है तो फिर आप लोग गर्म पानी की सेक ले सकते हो, ऐसे हॉट वाटर बैग जो ऊपर आ रही है, ऐसे हॉट वाटर बैग लेकर आप लोग गर्म पानी की सेक ले सकते हो। आप लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में गर्म हॉट वाटर बैग का लिंक दे दूंगी, आप लोग उस लिंक में जाके बाय भी कर सकते हो। तो ये सब था मेरा पर्सनल पीरियड्स रिलेटेड कुछ टिप्स जो कि मैं भी फॉलो करती हूँ। आप लोग भी अगर कुछ फॉलो करते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और आज के बाद आप लोग भी ये सारे टिप्स फॉलो जरूर करना ताकि आपके पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप लोगों ने देखा कि मैं पीरियड्स के दिनों में कैसे रहती हूँ, घर का खाना ही खाती हूँ, सादा खाना खाती हूँ, नॉर्मल खाना खाती हूँ, रेस्ट वगैरह करती हूँ, लेकिन हमें दिन में नहीं सोना चाहिए पीरियड्स के दिनों में। और आज मैं ज़्यादा
थक गई थी इसलिए मैं सो गई थी। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करना, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही आप लोग सो सकते हो दिन में। और एक बात, हमें पीरियड्स के दिनों में 4th डेज में ही हमें सर वॉश करना चाहिए। आपकी पीरियड्स की 1st, 2nd और 3rd डेज में आप लोग हेयर वॉश मत करना, 4th डेज में ही आप हेयर वॉश करना, क्योंकि हमारी पीरियड्स में बॉडी को गर्म रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग वॉश करेंगे, हेयर वॉश करेंगे, तो फिर हमारा बॉडी कूल डाउन हो जाएगा, तो इसके लिए हमारे पीरियड्स की ब्लीडिंग होना स्टॉप भी हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। इसीलिए पीरियड्स के 3 दिनों में आप लोग हेयर वॉश मत करना, 4 डेज में हेयर वॉश करना। तो अभी मैं जाऊँगी, खाना खाऊँगी और वो भी घर का सादा खाना ही खाऊँगी। तो मिलते हो डिनर करने के बाद। का डिनर ये चावल, आलू बॉल और इधर एक कटोरा दाल और एक नींबू। तो हे एवरीवन, मेरा डिनर हो चुका है और आप लोगों ने देखा ना मैंने कितना सादा खाना खाया, सिर्फ दाल चावल और आलू बॉयल, बस इतना ही। तो आप लोग भी घर में पीरियड्स के दिनों में बस सादा खाना ही खाओ, सिंपल खाना ही खाओ, ताकि कोई परेशानी ना हो। तो ये था मेरा पीरियड्स डे रूटीन, आप लोगों को कैसा लगा? और देखा ना मैं कैसे रहती हूँ पीरियड्स के दिनों में, मैं सब काम वगैरह पीरियड्स के दिनों में भी कर सकती हूँ, लेकिन जब मम्मी नहीं होती है तभी करती हूँ, मम्मी होने से मम्मी ही करती है पीरियड्स के दिनों में सारा काम। तो आज मम्मी नहीं थी इसीलिए मुझे खाना भी बनाना पड़ा, घर का काम भी करना पड़ा। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा पीरियड्स डे रूटीन? तो आप लोग भी पीरियड्स में कैसे रहते हो मुझे ज़रूर बताना। ये तो था मेरा रूटीन। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं अगली ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखना, और क्या करना है पता है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।